नमस्कार बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या हुआ है शहर में शाम के 7 बजे तक। कहा जाता है कि संगीत हर जगह है, पक्षियों के चहचहाने से लेकर बारिश की बूंदों के टपकने तक, हवा के बहने से लेकर हवा के बहने से उससे हिलने वाले पत्तों तक, और ज़मीन पर पड़े सूखे पत्तों के टकराने से निकलने वाली ध्वनि में भी संगीत है। वैसे आज हम संगीत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है संगीत को समर्पित दिवस, यानी कि विश्व संगीत दिन। आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और संगीत दिन का क्या महत्व है। विश्व संगीत दिन की शुरुआत साल 1982 में फ्रांस में हुई थी। दरअसल साल 1982 फ्रांस में संगीत की दीवानगी लोगों पर इस कदर चढ़ी थी कि उस समय के सांस्कृतिक मंत्री ने संगीत दिन को मनाने की घोषणा कर दी थी। इस खास दिन पर दुनिया भर के बड़े कलाकार कार्यक्रमों की प्रस्तुति करते हैं और परफॉर्म करने के लिए पैसे भी नहीं लेते। कहा जाता है कि पहले संगीत दिन पर फ्रांस के साथ 32 से ज़्यादा देश शामिल हुए थे। इस दौरान कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे और पूरी रात जश्न मनाया गया था, जिसके बाद से हर देश में 21 जून को विश्व संगीत दिन मनाने की शुरुआत हो गई। वैसे संगीत के महत्व को शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी के लिए संगीत साधन है तो किसी के लिए साधना, कठिन समय में किसी के लिए जीने का हौसला है तो बुरे दौर में किसी की ताकत और राहत। दरअसल संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन में कई मोड़ पर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो ज़िंदगी का वजूद ही संगीत से जुड़ा हुआ है। वैसे संगीत के कई फायदे भी है। संगीत से स्वास्थ्य में राहत मिलती है। रोजाना सुबह शाम कुछ देर तक संगीत सुनने से उच्च रक्तचाप की बीमारी में सुधार होता है। वहीं धीमी गति का संगीत सुनने से स्ट्रोक की समस्या दूर होती है। इसके अलावा संगीत सुनने से दिमाग को शांति मिलती है, जिसके कारण तनाव और अनिद्रा की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार संगीत शरीर की कई बीमारियों का इलाज करने में भी सहायक है, क्योंकि ये आत्मा का उन्नयन करता है। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि अच्छा संगीत सुनने से सुकून का एहसास होता है, और ऐसे कई डॉक्टर हैं जिनका मानना है कि संगीत सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसको लेकर अब तक कई रिसर्च भी हो चुके हैं, जिसमें ये पाया गया है कि संगीत शरीर में बदलाव लाता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। यही वजह है कि कई देशों में अवसाद और निराशा से बाहर निकलने के लिए मरीजों को संगीत थेरेपी दी जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक कारगर दवा है। संगीत के इसी महत्व को समझते हुए 21 जून को पूरे विश्व में संगीत दिन मनाने की शुरुआत की गई। तो आपको भी विश्व संगीत दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विश्व योग दिन के अवसर पर जब पूरा विश्व योग दिन मना रहा है, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की ओर से आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले, इस बात पर जोर दिया गया था। ऐसे में आज शहर के इस्कॉन मंदिर पर मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन करवाया गया। आपको बता दें कि इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप में अकोटा की विधायक सीमा मोहिले, शहर भाजपा प्रमुख विजय शाह, शिक्षणविद तेजल अमीन और
नित्यानंद महाप्रभु की उपस्थिति रही। इन सभी ने आज सारे शहरवासियों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का लाभ लेने की अपील भी की। समग्र देश में 21 जून थी सौ लोगों ने मफत रसीकरण मळे ए माटेनी शुरुआत आज गुजरात राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणीना मार्गदर्शन हेठ करवामां आवी छे। वडोदरा शहर में बधाज वेक्सिनेशन सेंटर पर मुख्य लोकोना माध्यम थी आज सवारे 10 वाग्यानी शुरुआत राखी छे अने बपोरे 3 वाग्याथी बधाज लोकोने मफत रसीकरण जे मळवा जई रह्युं छे त्यारे आ प्रसंगे इस्कॉन मंदिर खाते अमारा पूजनीय સૌ સંતો આજે ઉપસ્થિત છે, સાથે વડોદરા શહેરના શિક્ષણવિદ તેજલબેન અમીન પણ આજે ઉપસ્થિત છે અને અમારા માન્ય ધારાસભ્ય શ્રીમતી સીમાબેન મોહિલે પણ આજે ઉપસ્થિત છે। ત્યારે વધુ ને વધુ સંખ્યામાં લોકો રસીકરણ કરાવે, રસીના બંને ડોઝ સમયસર લે અને એના માધ્યમથી આપણે કોરોનાની સામે લડવા માટેનો જે આપણો કાર્યક્રમ છે એમાં આપણે સૌ સહભાગી થઈએ એવી શુભેચ્છા વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી મંદિર કે તરફ સે વડોદરા મહાનગર के द्वारा गुजरात सरकार केंद्र सरकार के द्वारा चूँकि वैक्सीनेशन 6 अप्रैल से चल रहा है और आज 21 जून है। साधुवाद है भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को जिन्होंने आज एक सुंदर दिन भी है, योग दिवस है और आज ही से 18+ हो या 45+ हो सबके लिए कोई रजिस्ट्रेशन इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जहां वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां सब जाएं और वैक्सीन सभी लें, ऐसे हम करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। GSEL फाउंडेशन की ओर से राजूला के जाफराबाद के 6 गांवों में विधवा और असहाय महिलाओं को 50,000 नलिए का वितरण किया गया। तावते तूफान की वजह से राजूला और जाफराबाद के कई गांवों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की खबरें सामने आई थी। इन गांवों में तूफान की वजह से लोगों के घरों के ऊपर से नलिए भी उड़ गए थे। ऐसे में ये लोग अभी भी इस तूफान की असर से बाहर नहीं आ पाए हैं, जिसके चलते GSEL फाउंडेशन की ओर से राजूला और जाफराबाद के 6 गाँवों में असहाय और निराधार महिलाओं को 50,000 नलियों का वितरण किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए GSEL की ओर से एक सर्वे भी किया गया था, जिसमें जरूरतमंद महिलाओं की जानकारी हासिल की गई थी। इस मौके पर राजूला के कई पदाधिकारियों की उपस्थिति भी रही। ये रिपोर्ट राजूला से हमारे संवाददाता योगेश कानाबार ने भेजी है। आज विश्व योग दिन के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही लोगों को संबोधित कर योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर बीमारियों से दूर रहने की बात कही। ऐसे में आज शहर के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर एक योग शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें शहर के मेयर केयू रोकड़िया की भी उपस्थिति रही। બંને હાથથી ઘર્ષણ કરી લો, ઉષ્મા આંખોને પ્રદાન કરો, સમગ્ર ચહેરાને માથા
એકવીસમી જૂન માન્ય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પ્રયત્નોથી સમગ્ર વિશ્વ જ્યારે યોગ દિવસ ઉજવી રહ્યું છે એવા વિશ્વ યોગ દિવસની સર્વે નગરજનોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અર્પણ કરું છું. યોગ એ વિજ્ઞાન છે, શરીર આત્મા મનને એક સાથે જોડતી આ ક્રિયા છે અને યોગ દ્વારા શરીરની તંદુરસ્તી હોય, માનસિક તંદુરસ્તી હોય એ તમામ ક્રિયાઓ શક્ય છે. યોગના ઘણા બધા ફાયદા આપણને સૌને ખબર છે, પરંતુ યોગ એક દિવસે સિમ્બોલિક ન કરતા સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન નિયમિતપણે જો યોગ કરવામાં આવે તો શરીર મન સમગ્ર આપણું જીવન તંદુરસ્ત રહેતું હોય છે. અને આ કોરોનાના કાળની અંદર યોગની સાથે પ્રાણાયામ સૂર્ય નમસ્કારનું પણ એટલું મહત્ત્વ છે. સૌને આજના દિવસે હું અપીલ કરું છું કે આપ યોગ નિયમિત કરો અને પોતાને, પોતાના પરિવારને, સમાજને સુરક્ષિત રાખીએ, દેશને સુરક્ષિત રાખીએ, દેશ સ્વસ્થ બને. સ્વસ્થ દેશથી જ સમર્થ એટલે કે સ્વસ્થ ભારત, સમર્થ ભારતનો આપણે નિર્માણમાં સૌ ભાગીદાર બનીએ. આજના ફરી એકવાર યોગ દિવસની સર્વેને શુભકામના. राजूला से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक राजूला के एसपी रोड पर साबर के बच्चे को देखा गया है. दरअसल एसपी रोड पर कुछ दुकानें हैं जहां से गुजर रहे एक शिक्षक की नज़र साबर के इस बच्चे पर पड़ी. उनकी नज़र पड़ते ही उनकी ओर से वन विभाग के अधिकारियों को इस मामले में जानकारी दी गई. वन विभाग के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत ही वो सब इस जगह पर पहुँच गए और साबर के इस बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसे गौशाला में दे दिया गया. ये रिपोर्ट राजूला से हमारे संवाददाता योगेश कानाबार ने भेजी है. એટલે તો પછી વિડીયો લઉં છું મારા વાલા હું. सावली की ICDS शाखा की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन को मनाया गया. बाल विकास अधिकारी धरा जोशी की अध्यक्षता में योग दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सावली की ICDS शाखा की ओर से आज योग दिन के उपलक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, सेविका और सभी गर्भवती महिलाओं को योग का प्रशिक्षण देकर योग से होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया गया. योग हर बीमारी के सामने कार्यक्षम है और COVID-19 से बचाव के लिए भी योग को काफ़ी माना जाने लगा है. ऐसे में आज बाल विकास अधिकारी धरा जोशी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया. તમારું સમગ્ર ધ્યાન તમારા શરીર પર અને તમારા સ્વાસ્થ્ય પર. આજરોજ વિશ્વ યોગા દિવસ નિમિત્તે ICDS સાવલી ઘટક દ્વારા દરેક આંગણવાડીમાં વિવિધ યોગાના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવેલ છે. તે અંતર્ગત ICDSના બેનિફિશિયરી જેમ કે સગર્ભા, ધાત્રી, કિશોરી અને બાળકો માટે વિવિધ યોગાના કાર્યક્રમો યોજાયેલ છે. તે અંતર્ગત આજરોજ જાવલા ગામ ખાતે સગર્ભા, ધાત્રી અને કિશોરી તથા બાળકોનો યોગા કાર્યક્રમ યોજવામાં આવેલો. આયુષ ડિપાર્ટમેન્ટના ડોક્ટર સાથે સંકલન કરવામાં આવેલ અને યોગ ઇન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા વિવિધ કોર્સ દ્વારા, વિવિધ યોગાના કોર્સ દ્વારા કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે યોગા તે આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. આજે નહીં પણ હંમેશા આપણે દરરોજ આપણી જીવનશૈલીમાં યોગા કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે, જે આપણને માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય આપે છે. સાથે સાથે આજકાલ જે કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે તે દરમિયાન પણ જો યોગા કરવામાં આવે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા આપણી ખૂબ જ સારી બને છે અને આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે.
गुजरात राज्य सरकार की ओर से दिए गए आदेश के मुताबिक वडोदरा शहर के SSG अस्पताल में TB की बीमारी से ठीक हुए मरीजों के लिए योग तालीम वर्ग की आज से शुरुआत करवाई गई। आज विश्व योग दिवस के मौके पर शहर में विभिन्न जगहों पर योग से जुड़े हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे में शहर के SSG अस्पताल की बरोड़ा मेडिकल कॉलेज पर TB की बीमारी से ठीक हुए लोगों के लिए योग तालीम वर्ग की शुरुआत करवाई गई। योग की मदद से कई बीमारियां दूर हो सकती है, ऐसे में योग की मदद से TB की बीमारी वाले मरीजों को ठीक किया जा सके, इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस अभियान को शुरू करवाया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार के आरोग्य विभाग में इलाज ले रहे TB के मरीजों को योग साधना की मदद से मजबूत बनाने के अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें पहले राज्य की 6 मेडिकल कॉलेजों पर इस कार्यक्रम को शुरू करवाया गया है। इस मामले वडोदरा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर तनुजा जावड़ेकर ने ज्यादा जानकारी दी है। આજે 21 જૂન એટલે વિશ્વ યોગા દિવસ છે. યોગા એટલે આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિનું ભેટ છે. યોગા આજની થીમ છે, વિશ્વ આજે 21 જૂન યોગા દિવસની થીમ છે, સ્વાસ્થ્ય માટે યોગા. હવે યોગા સ્વાસ્થ્ય માટે આપણે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ છે અને આપણે જાણીએ જ છે. આજે આપણે આ પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ આપણને આ કાર્યક્રમ આપ્યો છે કે TBવાળાઓ જે છે, ક્યોર્ડ TB પેશન્ટ, એ લોકોને લંગની એક્સરસાઇઝ ને પ્રાણાયામ ને એ બધું જે છે એ કરાવવાનું. એટલે શું, અઠવાડિયા સુધી એમને કરાવશે અહીંયા, અને પછી એમણે 21 દિવસ ઘરે કરવાનું એક્સરસાઇઝ. એ બી અમે ધ્યાન રાખીશું કે એમણે ઘરે કરી કે નહીં, અને આ 1 મહિના પછી પાછા એમને બોલાવવામાં આવશે. એટલે એવી રીતે યોગ તમે કરો ને TBમાં તો લંગની એક્સરસાઇઝ છે, પ્રાણાયામ એટલે ફેફસાની, એટલે ફેફસાનું કાર્યશક્તિ વધે, ફરીથી એમને ઇન્ફેક્શન ન થાય, એવા બધા ઘણા બધા ફાયદા છે લંગ ફેફસાના. એટલા માટે એમને આ અમે આ કાર્યક્રમ કરેલો છે, અને વડોદરા મેડિકલ કોલેજે આ ફિઝિયોથેરાપી ડિપાર્ટમેન્ટમાં આ કાર્યક્રમ યોજ્યો છે, જે હવે અઠવાડિયું સુધી યોગ ગુરુ દ્વારા અઠવાડિયા સુધી અમને બધા પ્રાણાયામને યોગ શીખવાડવામાં આવશે. सावली जन्मोत्री सामूहिक आरोग्य केंद्र पर आज से कोरोना से जुड़े महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करवाई गई। हालांकि इस जगह पर वहां के हेल्थ ऑफिसर को बिना मास्क के देखा गया, जिसके बाद से लोगों में इस मामले कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सावली से सामने आ रही खबर के मुताबिक सावली जन्मोत्री सामूहिक आरोग्य केंद्र पर कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसके चलते आरोग्य केंद्र पर सुबह से ही लोगों का भारी जमावड़ा देखा गया। हालांकि इस मौके पर मौजूद तालुका हेल्थ ऑफिसर बिना मास्क के दिखाई दिए। ये खबर सामने आने के बाद से ही लोगों में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि जहाँ एक और आम जनता से मास्क न पहने जाने पर बड़ा दंड वसूला जाता है, वहीं दूसरी ओर इस हेल्थ ऑफिसर का इस तरह कानून तोड़ना कितना जायज है। इस मामले इस अधिकारी पर कोई कार्यवाही की जाती है या नहीं, इस पर इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई है। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता मीत काचिया ने भेजी। आज विश्व योग दिन के अवसर पर शहर भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। ऐसे में शहर की फिटनेस ट्रेनर उर्वी पुरवानी ने भी लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए एक अनोखे तरीके से योग दिन को मनाया। दरअसल उर्वी पुरवानी ने सभी लोगों को संगीत के साथ योगा करवा कर योगा से जोड़ा। चाहूँगी लाइफ धीरे धीरे करके लोगों की बहुत स्ट्रेसफुल होती जा रही है, एंड अगर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें फ़न चाहिए, फन फैक्टर चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हर इंसान अलग टाइप का होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत शांति के साथ सब कुछ करना चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको म्यूज़िक पे चाहिए। इसलिए आज का जो सेशन था, मैंने उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि इंस्ट्रक्शंस देते देते मैं सेशन करवा रही हूँ। इंस्टेड मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया तो लोगों ने सॉन्ग गाते गाते वो कंटिन्यू किया, और कहीं पे भी मैंने ये नहीं देखा कि किसी को वो चीज़ स्ट्रेसफुल लग रही है कि ये पोज नहीं हो रहा या वो पोज नहीं हो रहा। सबने बहुत अच्छे से मस्ती के साथ वो सेशन किया। अल्टीमेटली जो मैटर करता है, हमारा वर्कआउट भी हो गया और दूसरा काफ़ी मज़ा आया, पीसफुल फील हुआ मेंटली। सो यही मेरा तरीका था योगा करवाने का।
इंटरनेशनल योगा डे पे, जिससे काफ़ी मज़ा आए। મેસેજ આપશો પાછા દોઢ વર્ષથી લોકો સ્ટ્રેસમાં છે અને ઓનલાઈન પણ તમારી સાથે કેટલાક લોકો જોડાઈ રહ્યા છે જી। સો જીતને લોકો એસા લગતા હૈ કે ફિઝિકલ ક્લાસમાં નહીં આ સકતે, આઈ વિલ સજેસ્ટ ધેમ કે વો લોક ઓનલાઈન ક્લાસમાં સ્ટાર્ટ કરે, બટ એટલીસ્ટ 40-50 મિનિટ અપની બોડી કો રેગ્યુલર દે, બિકોઝ એ ચીજ હમારે સાથ જિંદગી ભર રહેગી ઓર ઇસ પે હમ થોડા સા વર્ક કરેંગે તો હમ ફિઝિકલી તો पीसफुल रहेंगे बट मेंटली भी हमें काफ़ी ज़्यादा पीस मिलेगी। तो थोड़ा सा वर्कआउट करना ज़रूरी है ताकि जितना भी टॉक्सिन है बॉडी के अंदर वो पसीने के फॉर्म में बाहर निकल जाए। आज 21 जून योगा डे है। आज हमने मॉर्निंग में उर्वी मैम के साथ योगा किया विथ म्यूज़िक, हमको बहुत मज़ा आया। वैसे योगा थोड़ा बोरिंग लगता है हमको, बट आज म्यूज़िक पे कुछ डिफरेंट स्टाइल में किया, हमको बहुत मज़ा आया और रिलैक्स मिला हमको। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।